नमस्कार, आप देख रहे हैं हंगामा न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रतिमा। भगवान जगन्नाथ स्नान कर हुए बीमार। जी हां, वाराणसी के ऐसे घाट पर भक्तों के प्रेम से अत्यधिक स्नान करने के कारण बृहस्पतिवार को बाबा जगन्नाथ बीमार हो गए, जिसमें 15 दिनों तक उन्हें काढ़े का भोग लगाया जाएगा। इसके कारण मंदिर के कपाट भी बंद कर दिए गए हैं। अब भगवान को परवल के जूस व काढ़े का भोग लगेगा, जिससे जल्दी उनके स्वास्थ्य में सुधार हो सके। अस्सी स्थित जगन्नाथ मंदिर की छत पर रात को 12 बजे ही भगवान के विग्रह को प्रतिस्थापित कर दिया गया। फूलों पत्तियों से श्रृंगार के बाद कलश स्थापना कर गणेश पूजा हुई। भोर में 5 बजे से बाबा जगन्नाथ को स्नान कराने का दौर शुरू हुआ। शहर भर से लोग घड़े में जल लेकर बाबा को स्नान कराने पहुंचे। काशी केदार खंड आध्यात्मिक सेवा समिति की ओर से सुबह 6 बजे गौरी केदार मंदिर से जल यात्रा निकाली गई। पंडित राधेश्याम पांडे का कहना है कि परंपरा है कि आज के दिन जगन्नाथ जी स्नान करते हैं और भक्तों को एक दिन स्नान करने का अवसर भी प्रदान करते हैं, जिससे तीनों विक्रम बीमार पड़ जाते हैं। आज सुबह आरती हुई, उसके बाद मंदिर ट्रस्टी राष्ट्र द्वारा स्नान कराने के बाद भक्तों के लिए दर्शन हेतु द्वार खोल दिया गया। दिन भर स्नान कराने के बाद भगवान अस्वस्थ हो गए। भगवान को स्वस्थ होने के लिए परवल का जूस एवं काढ़ा दिया गया। 15 दिन में स्वस्थ होने के बाद भगवान प्रकट होकर भक्तों को दर्शन देंगे। इसके बाद गाजे बाजे के साथ पालकी यात्रा निकाली जाएगी। पता है कि आज के दिन जगन्नाथ जी या तीनों विग्रह भक्तों को एक दिन स्नान कराने का मौका देते हैं, अवसर देते हैं। आज सुबह प्रातःकाल 5:15 की आरती हुई है, इसके बाद ट्रस्टी लोग स्नान कराए, इसके बाद भक्त लोग स्नान कर रहे हैं। दिन भर स्नान करने के बाद भगवान अस्वस्थ हो जाते हैं, जो कि 15 दिन तक अस्वस्थ रहते हैं। 15वें दिन भगवान फिर प्रकट होंगे और भक्तों को दर्शन देंगे। उस दिन परवर के जूस का भोग लगेगा, इसके बाद गाजे बाजे के साथ अपने घूमने के लिए काशी भ्रमण करने के लिए यहाँ से पालकी द्वारा बेनी राम बगीचे में जाएंगे। वहाँ रात विश्राम करेंगे, फिर 14 से 3 दिन तक वहाँ।